हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कंगना रनौत की न्यू मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका नाम है इमरजेंसी। इमरजेंसी मूवी बनाई जा रही है इंदिरा गांधी के ऊपर। एक्चुअली उनकी बायोपिक है, जो कि 1975 में जो इंडिया में इमरजेंसी लागू हुई थी उसके ऊपर आधारित है। इससे पहले कंगना रनौत की मूवी आई थी धाकड़, जो कि फ्लॉप गई थी। उससे पहले आई थी पंगा, वो भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। तो अब चलिए शुरू करते हैं इस टीज़र को, जो भी है फर्स्ट लुक इमरजेंसी का, और देखते हैं क्या कुछ दिखाया गया है फर्स्ट लुक में। और बाकी इसके टाइटल से पता चल रहा है इमरजेंसी फर्स्ट लुक शूटिंग बिगिंस। तो मणिकर्णिका फिल्म्स है, उनका अपना प्रोडक्शन है, तो उसके बैनर तले मूवी आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस फर्स्ट लुक। वाशिंगटन डीसी 1971। हेलो। Yes, sir. If you can refer to Mrs. O'Neill's man. Sure. भाई राजा महाराज की कोठी से कम नहीं लग रहा इनका महल। मिस्टर किसिंगर जानना चाहते हैं कि जब प्रेसिडेंट निक्सन फोन लाइन पर आए तो क्या वो आपको मैडम कहकर संबोधित कर सकते हैं? Yeah. भाई साहब, साइड लुक देख रहे हो आप लोग, लग रही ना इंदिरा गांधी जो थी उस समय उस टाइप की लग रही है 1975 में, जैसे हम फोटोज वगैरह में देखते हैं। तो ठीक है जी, एक मिनट। अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। देखो यार, जो फर्स्ट लुक था उसमें कंगना रनौत का जो उन्होंने इंदिरा गांधी का जो उन्होंने किरदार निभा रही है उसमें, तो यार देखो लग रही है कि हाँ भाई इंदिरा गांधी की तरह थोड़ा थोड़ा मैच कर रही है। बाकी यार ये मूवी के बारे में मैं बताऊँ तो इसमें मेरे को लगता है, जैसे आपको पता ही है कंगना रनौत के जो कमेंट्स आते हैं कांग्रेस विरोधी हैं वो, तो कांग्रेस के ऊपर एक तरीके से मूवी बना रही है, तो भाई इसका मूवी का भी विरोध काफ़ी होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। इसमें ऐसा दिखाया नहीं है कुछ भी कि क्या है क्या नहीं है, बाकी आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। अभी प्रेजेंट तो ये है कि देखने में तो लग रहा है कि देखो चलो फर्स्ट लुक बढ़िया है इस मूवी का। और मैंने ना एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखी थी, मैं इंटरमिशन होता है ना उसमें उठ के वापस आ गया था यार, मेरे को नहीं पसंद यार नेता मंत्रियों की वो वीडियो मूवीज़। बाकी इसका देखो क्या होता है सीन आगे जाने वाले टाइम पे, क्योंकि कंगना की जैसे लास्ट दो मूवीज़ की बात करें तो वो फ्लॉप ही गई हैं, धाकड़ और पंगा। और ये वाली मूवी के बारे में कुछ कह नहीं सकते अभी आगे, तो भी करते हैं बाकी इमरजेंसी। अब फिल्म बाय कंगना रनौत, देखो उस पर पूरा मूवी का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि मणिकर्णिका फिल्म प्रेजेंट्स इमरजेंसी, डायरेक्टर कंगना रनौत, प्रोड्यूसर रेणु पित्ती एंड कंगना रनौत, स्टोरी कंगना रनौत, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग रितेश शाह। तो चलिए डायलॉग्स इसके जो ये आपका फर्स्ट लुक है इसके नीचे के कमेंट्स पढ़ते हैं थोड़े बहुत, देखते हैं लोगों ने क्या क्या इसमें राय दी है। कंगना लुक्स प्रॉमिसिंग फॉर द रोल, ओके। सी ऑलवेज नेल्ड इट बाय टैलेंट, सी हैज़ अ ग्रेट टैलेंट, नो वन कैन मैच हर एक्टिंग स्किल, सी इज़ अ हीरो ऑफ बॉलीवुड। अच्छा जी, हम तो एक्ट्रेस हो चुके। इवन विदाउट एनी एक्शन सीन इन दिस ट्रेलर इट गिव्स goosebumps। अच्छा, खलीफा वन भाई जी को goosebumps आए हैं फर्स्ट लुक को देख के। और त्राप्ती चौबे लिखती हैं नो वन कैन मैच हर एक्टिंग स्किल इन बॉलीवुड, बेस्ट विशेस कंगना मैम। वाट आर एक्टिंग, वाट आर वॉइस, वाट आर बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ यार, बैकग्राउंड म्यूजिक की तो मैंने बात ही नहीं करी, बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा था। जो दिखाते ना इंदिरा गांधी का जो फेस दिखाते हैं ऐसे करके कंगना रनौत का, सॉरी, तो उसमें जो म्यूजिक आता है पीछे का BGM वो काफ़ी सही बना रखा उन्होंने। आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑन 1975 इमरजेंसी एंड आई फील दिस मूवी गोना बी रॉक, दिस इज द सब्जेक्ट इट शुड एवरी वन नो अबाउट।
hoping that it must has covered all the main except behind happening of emergency. Kangana's look and acting seems awesome. इसमें सच्चाई दिखाई जाएगी. एक्चुअल में क्या है कि बॉलीवुड मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं ना कि भाई ये है वो है, बट बायोपिक में क्या होता है, बायोपिक में जो भी चीज़ें घटी हैं उस वक्त वो ओरिजिनल दिखाते हैं हमेशा. तो देखते हैं कैसा होता है यार ये मूवी, कैसी होती है आने वाले टाइम में. तो बाकी ये टीज़र था. तो ये थे यार कुछ कमेंट्स जो कि कंगना की इमरजेंसी का जो फर्स्ट लुक था उसके नीचे. बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.